एपिसोड उस पर चुप। वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो एंड यस मैं तुम्हें देख सकता हूँ कानों में लीड लगाए हुए आराम से बेड पे लेटे हुए और सोच रहे हो रचित भाई आज के दिन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल खेलें क्या? ओह माय गॉड यस आज के दिन वो समय आ चुका है। आज के हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। तुम लोगों ने मेरे को परेशान कर दिया है, मेरे को इधर साइड से उस साइड से हर जगह बस एक ही आवाज आ रही है, रचित भाई जूता उतारो। ऐसे नहीं रचित भाई सर्वाइवल खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो? मतलब ये क्या गुंडा कर दिया है, क्या गुंडा कर दिया? माइनक्राफ्ट खेलते हो और माइनक्राफ्ट सर्वाइवल नहीं खेला है? एक्चुअली ये बात तो सच्ची है, मैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल नहीं खेला हूँ अभी तक। दैट्स इट एवरीबॉडी, फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन हम लोग खुद की माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करेंगे। और तुम लोग के मन में चल रहा होगा कि आखिर रचित भाई ने आई थिंक पहले भी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल खेलने की कोशिश की थी। दैट्स राइट एवरीबॉडी, तो एक्चुअली मैंने सबसे पहले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल एक साल पहले खेला था और देन सेकेंड माइनक्राफ्ट सर्वाइवल 7 महीने पहले खेला था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये तभी होगा जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इसका सेकेंड पार्ट नहीं बनाऊंगा। Nope, भूल जाओ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सेकंड पार्ट। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लस अगर इस वीडियो पे 1,00,000 लाइक नहीं आए, लाइक टोटल 1,00,000 लाइक्स, ये वाले कान से सुन लो, 1,00,000 लाइक्स, इफ इस वीडियो पे 1,00,000 लाइक्स नहीं आए तो मैं सेकंड पार्ट नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। तो सच बात तो ये है कि मैंने अभी तक माइनक्राफ्ट सर्वाइवल इसलिए नहीं खेला था क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा नूब हूँ। लाइक मैं कोशिश कर रहा था कि मैं माइनक्राफ्ट ना खेलूं, लाइक तुम लोगों को ना पता लगे कि रचित भाई को माइनक्राफ्ट खेलना नहीं आता है, लेकिन नहीं, तुम लोग को माइनक्राफ्ट देखना है। तो हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो माइनक्राफ्ट की एक स्पेशल सीरीज बनाने के लिए एक नॉर्मल चीज ये करनी है कि अपने को सबसे पहले एक बहुत बढ़िया सा नाम रखना है, और हमारे वर्ल्ड का नाम है कर्म धरती। यस ओके, तो हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं और गेम के अंदर आते आते भाई मेरे पास बहुत ज्यादा हॉर्सेस है, प्लस यहाँ पे गाय भी है। भाई शीप और हो जाए, एक शीप और हो जाए प्लीज। शीप, अरे शीप क्यों नहीं दिख रही? अरे 3-3 शीप और है, व्हाट द हेक भाई, कितना स्पेशल बेल्ट है ये। ओके, सबसे पहले भाई मेरे को बहुत नॉर्मल चीज करनी है, मेरे को भाई जल्दी मतलब ये सारे के सारे पेड़ तोड़ने हैं। भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, यहाँ पे शीप पिक सब कुछ है। तो सबसे पहले भाई मेरे को ये पेड़ तोड़ना है जिससे भाई मैं एक्स पिकेक्स एंड तलवार बना पाऊँ, एंड उसके बाद हम ये शीप्स को मारेंगे जिससे हमारे पास बेड आ जाएगा। तो आई थिंक ये फर्स्ट एपिसोड तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा दिलाने वाला है। इतना एक्साइटेड मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को ना पता हो तो ये फर्स्ट एपिसोड मैंने आज के दिन ही दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बना रहा था भाई, फर्स्ट टाइम मैं 30 मिनट तक गेम खेल लिया एंड देन मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की नहीं थी। 30 मिनट का पूरा गेम प्ले मैंने खेल लिया और देन मेरे को पता लगा कि यार भाई मैं बिल्कुल ही पागल हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, गेम में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। देन मैं सोचा चलो आज के दिन इसको दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने कुछ पेड़ तोड़ लिए हैं। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर गाइस एक गुफा भी है, तो जहाँ पर गाइस मेरे को आई थिंक सो कि आयरन एंड कोल मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पे पेड़ की कमी है। ओके, तो भाई मेरे पास फायदा ये है कि मेरे को 12 ओक प्लेन्स मिल गए हैं जिससे मैं बना सकता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना ली है। देन मैं बना सकता हूँ एक स्टिक, तो मैंने स्टिक भी बना ली है 4। एक्चुअली मेरे को 4 नहीं, थोड़ी और स्टिक चाहिए है, मैंने और भी स्टिक्स बना ली है, और प्लस मेरे को और भी ओक प्लेन्स चाहिए है, तो ओक प्लेन्स भी मैंने बना लिए हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्राफ्टिंग टेबल रखनी है एंड देन मेरे को कुछ चीजें बनानी है, जैसे कि सबसे पहले तो भाई मेरे को एक पिकेक्स बनानी पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, मैंने एक पिकेक्स बना ली है। देन मेरे को बनानी पड़ेगी एक एक्स, क्योंकि अभी जाकर भाई मैं और भी पेड़ तोड़ूंगा, तो एक्चुअली एक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैं और भी पेड़ों को तोड़ूंगा। एक्स बनाने के बाद मेरे को एक तलवार बनानी है जो कि और भी ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए मेरे को ऐसे रखने हैं ये, और ये एक मैंने एक शॉवल बना ली है, और देन एक मेरे को तलवार चाहिए थी तो मैंने तलवार भी बना ली है। ओके, तो मेरे पास मोस्टली सारी चीजें आ गई है। तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है भाई, मैं तलवार से जाके सबसे पहले ये सारी की सारी शीप्स को मार देता हूँ, क्योंकि लास्ट एपिसोड जब मैंने खेला था भाई मेरे को 30 मिनट तक शीप नहीं मिल रही थी, मेरा पूरा दिन खराब चला गया, रात में ज़ॉम्बीज़ ने और ये स्पाइडर्स ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी, बस एक और शीप, अरे किधर भागती। ओके, तो मेरा बेड तैयार हो गया है, अब मेरे को करना क्या है, एक्चुअली मेरे को और भी चीजें चाहिए हैं, जैसे कि मेरे को भाई थोड़ा सा पत्थर चाहिए है, तो पत्थर के लिए गाइस यहाँ पे एक जगह है। ओ माय गॉड कोल भी है, प्लस भाई यहाँ पे भाई ऑन सैंड भी है, मेरे लिए ही फायदा है। ओके, सबसे पहले मेरे को नीचे जाना है, एक्चुअली मेरे लिए फायदा ये है क्योंकि यहाँ पे सैंड है जिससे मेरे को कांच मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे कोल भी है, तो जल्दी से भाई मैं कोल ले लेता हूँ। तो कोल का फायदा ये है कि मैं टॉर्च बना पाऊंगा,
करूंगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे है, तो भाई मेरे को फर्स्ट डे सर्वाइव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉम्बीज आने वाले हैं। और भाई मेरे को जॉम्बीज और क्रीपर से बहुत ज्यादा डर लगता है, लाइक क्रीपर तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा खराब लगता है क्योंकि भाई लास्ट एपिसोड के अंदर क्रीपर ने किया क्या था मेरे साथ। मैं आराम से भाई बिल्डिंग कर रहा था, ठीक है, मैं आराम से भाई चीजें बिल्ड कर रहा था और वो मेरे पीछे आया, मेरे को पता नहीं लगा और भाई बिल्कुल मेरे सामने ही फट गया। तो मेरे को वो दोबारा से नहीं करना है, इसीलिए मैं सबसे पहले आराम से ये चीजें चाहता हूँ। रात होने से पहले ही मैं अपना एक बेड बना पाऊँ, मेरे पास टॉर्च हो और मैं जल्दी से लाइक सो पाऊँ जिससे नया दिन हो जाए, नए दिन पे मैं अपना घर बनाऊँ क्योंकि मेरे को आयरन भी चाहिए है, तो मेरे को घर बनाना है आज के एपिसोड में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस मेरे सामने भाई आयरन दिख रहा है, मेरे को पता है मैं कितना लकी हूँ भाई, मैं कितना लकी हूँ, मतलब लिटरली मेरे को लग रहा है भाई मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। लेकिन मेरे को बांस से तोड़ने से मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नीचे गिर जाएगा पूरा का पूरा आयरन। ओके तो ये रहा गाइस आयरन, तो मेरे को फायदा ये हुआ कि भाई मेरे को आयरन भी मिल गया, बहुत जल्दी आयरन मिल गया मेरे को। ओके जल्दी तोड़ो, मैं लकी हूँ लेकिन मैं पागल भी बहुत ज्यादा हूँ। मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि भाई आयरन को तोड़ने के लिए भाई मेरे को स्टोन पिकेक्स चाहिए होगी, नॉर्मली विदाउट स्टोन पिकेक्स मैं आयरन को नहीं तोड़ सकता हूँ। मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ आज के दिन, मैं तुमको बोला था मैं बहुत ज्यादा नूब हूँ, इसी वजह से मैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल नहीं खेलता था, बट आज के दिन कोई ना ये नूब भी प्रो बन जाएगा। ओके जल्दी से तोड़ लेते हैं। ओके मैं थोड़ा सा पत्थर ले लिया है, मेरे पास चीजें भी हैं, तो मैं ऊपर जाके जल्दी से, ऊपर मेरी क्राफ्टिंग टेबल रखी है तो क्राफ्टिंग टेबल में जाकर मैं जल्दी से ये जो मैंने टूल्स बनाए हैं इनको मैं स्टोन का कर लेता हूँ क्योंकि स्टोन का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चार ही स्टिक्स है मेरे पास, तो मेरे को पिकेक्स जरूरी है सबसे पहले, तो मैंने पिकेक्स बना ली है। ओके ये रही है स्टोन पिकेक्स, ये वुडन पिकेक्स को यहाँ पर ही रखते हैं और दोबारा जाते हैं, और दोबारा जाने के बाद वहां से जल्दी से लेते हैं आयरन को। वो किधर साइड थी जगह, अरे वो जगह किधर साइड थी, ओके यहाँ पर भी है भाई, यहाँ पर भी है आयरन, तो जल्दी से आयरन लो। आयरन से गाइस हम लोग आर्मर बना पाएंगे और प्लस हमारे पास पत्थर है तो हम भाई फर्नेस भी बना सकते हैं और कोल की भी दिक्कत नहीं है अभी। तो एक्चुअली इन अदर वर्ड्स आप कहें तो हमारा फायदा ही है यार, लाइक सब कुछ अपने को आज के दिन बहुत जल्दी मिल गया है ये देखो, और कोल तो भाई यहाँ पे इतना ज्यादा है कि मैं क्या ही बताऊं। ओके तो कोल अपने को मिल गया है, प्लस यहाँ पे और भी आयरन है, तो जितना भी आयरन मिल रहा है मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरे को एक्चुअली ये आयरन की जरूरत है। और अच्छी चीज ये है कि मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई मेरे पास इतना ज्यादा आयरन हो गया है। ये आई थिंक सो पहला माइनक्राफ्ट का गेम है जिसमें मेरे को इतनी इजीली लाइक बिना खोजे इतनी जल्दी मेरे को आयरन मिल गया है। तो अब मेरे को आयरन भी मिल गया है, तो अब मेरे को क्या करना है, अब एक्चुअली मेरे को एक फर्नेस बनानी है। अब फर्नेस के लिए आई थिंक मेरे पास कोबल स्टोन ऑलरेडी है, तो मैं फर्नेस बना सकता हूँ जल्दी से। मैं आराम से कोबल स्टोन से एक फर्नेस बनाता हूँ। ओके एक फर्नेस बन गई, फर्नेस को यहाँ पे रखता हूँ, ओपन करता हूँ एंड फर्नेस के अंदर डालता हूँ आयरन और एंड डालता हूँ कोल, 12 कोल डाल दिए, तो ये काम होता रहेगा। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक्स है, एक्स के बाद यहाँ पर जस्ट एक चीज की कमी थी, एक्चुअली मेरे को याद भी रखनी है यार ये जगह, मैं भूल ना जाऊं यार मैं कहाँ से आया था। क्या करता हूँ मैं जल्दी से थोड़ी सी डर्ट ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को यार याद रखना है कि भाई मैं कौन सी जगह से आया था। आई थिंक सो मैं वो जगह भूल जाऊंगा क्योंकि मैं अभी पेड़ काटने जा रहा हूँ और पेड़ यहाँ के आसपास में है नहीं एक भी, तो मेरे को यहाँ पे एक निशानी छोड़ के जानी है जिससे अगर मैं दूर से आऊँ तो मेरे को पता लग जाए। निशानी के लिए मैं एक्चुअली क्या करूंगा, मैं जस्ट ऐसे 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 लाइक ऊपर से एक पिलर टाइप का बना दूंगा, जब मैं लाइक दूर से देखूं कि भाई मैं कौन सी जगह से आया तो मैं यहाँ पे आ पाऊं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ से नीचे गिरा, अरे 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 भाई मैं सोच ही रहा था कि मैं नीचे गिरा, उतने में ही मैं नीचे गिर भी गया। एक्चुअली अभी मेरे को चाहिए है वुड, तो वुड की जरूरत है मेरे को घर बनाने के लिए और मोस्टली चीजें मेरे पास आ गई हैं क्योंकि जिस एरिया में मैं आया हूँ यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा जगह है जहाँ पे गाइस मैं लाइक माइनिंग कर सकता हूँ। ये देखो हर जगह पे माइंस है, तो मेरा स्पॉइंट बहुत अच्छी जगह पे हुआ है। यहाँ पे कुछ चिकन्स भी है, चिकन्स को अभी नहीं मारेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे कुछ पेड़ है, इनको काटते हैं जल्दी से। ओके सबसे पहले इसको काटते हैं, तो मेरे को मोस्टली अभी सिर्फ लाइक वुड की जरूरत है क्योंकि वुड के जरिए ही लाइक मैं अपना घर बना सकता हूँ। प्लस यहाँ पे आई थिंक सैंड भी है क्योंकि पानी भी था, तो मैं सैंड लेके गाइस कांच बना लूंगा, कांच के बाद मैं अपना घर सही बना लूंगा। तो मोस्टली जिस चीज की मेरे को जरूरत है वो है बुड, और बुड के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ इसी वजह से। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के लिए, और एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ एक्चुअली। तो कल के दिन एक्चुअली मैं लाइक माइनक्राफ्ट हार्डकोर खेल रहा था और मेरे को ये चीज सच्ची भी नहीं पता था कि नेदर के अंदर अगर बेड रख के सो जाते हैं तो मर जाएंगे। मैं लाइक कल ट्राई कर रहा था लाइक माइनक्राफ्ट सर्वाइवल की, तो मैंने हार्डकोर खेल लिया था ऐसे ही मजे मजे में, और मैं बहुत ज्यादा लाइक लगातार 3 घंटे मैंने खेला, 3 घंटे के बाद मैं सीधा नेदर में पहुंचा, नेदर में मैंने बेड लगाया और यहाँ पे रात हो गई। वैसे मैं बताने वाला ये था कि नेदर में जब मैंने बेड लगाया तो भाई मेरा गेम पट गया, और यहाँ पे रात हो गई और मेरे को सबसे पहले बेड बनाना है, वो मेरा जगह है, वो मेरे को पिलर दिख रहा है इसीलिए मैंने वो पिलर रखा था। तो रात होने से पहले ही भाई मेरे को सोना है, तो मेरे को बेड बनाना पड़ेगा, मेरे को जल्दी से वहां पे पहुंचना है जिससे मैं बेड बनाऊं, और बेड बनाने के बाद मैं सो जाऊंगा, सुबह हो जाएगी, सुबह जाके मैं अपना घर बनाऊंगा एक्चुअली। और फिर मैं तुम लोग को आगे की स्टोरी बताता हूँ कि नेदर में मैं कैसे मरा, लाइक लिटरली मेरे को अभी भी हंसी आ रही है। तो एक्चुअली मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बेड बनाना है। ओके तो
बेड बनाने के लिए सबसे पहले भाई मेरे को ब्लॉक्स भी चाहिए हैं। तो ये रहे ओक्स, तो इससे हमारे पास चार प्लैंक्स आ गई हैं। चार प्लैंक्स को एक तीन प्लैंक्स यहाँ पे रखते हैं और ये तीन व्हाइट वुल रखते हैं और लेट्स गो। ये रहा हमारा व्हाइट बेड, तो बेड को लेते हैं और सो जाते हैं क्योंकि भाई मेरे को ज्यादा इंतजार नहीं करना है। यहाँ पे भाई ज़ॉम्बी क्रीपर सब कुछ आ जाएंगे। ये था हमारा पहला दिन, पहले दिन में ही हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली। ओके ये हो गई है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, मेरे को ये बेड लेना है, ये क्राफ्टिंग टेबल भी तोड़ता हूँ मैं जल्दी से, पहले मेरे को चेक करना है। ओके आयरन, 14 आयरन हो गए भाई मेरे पास। ओके आई थिंक मैं आयरन का आर्मर बना सकता हूँ। ओके यस यस, पहले एपिसोड में गाइस हमारे पास आयरन आयरन की चेस्ट प्लेट आ गई है। तो हमारे पास चेस्ट प्लेट एंड हेलमेट आ गया है जो कि आई थिंक बहुत अच्छी चीज है, लाइक फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही ये चीज ये बहुत अच्छा होगा। ओके तो मैंने हेलमेट एंड वो दोनों पहन लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट डे था, तो हमारे पास अब फायदा ये है लाइक काइंड ऑफ हमारे पास लाइक बेड है, तो हमें लाइक डर की जरूरत नहीं है, लाइक रात जैसे ही होगी वैसे ही हम बेड पे सो जाएंगे, नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को थोड़ी सी सैंड चाहिए क्योंकि अब मैं अपने घर की तैयारी करूंगा। ओ माय गॉड, हेलो डॉल्फिन, ये डॉल्फिन ही थी ना, कितनी प्यारी थी भाई, कितनी प्यारी थी। ओह नो, ओके तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मैं जल्दी से शॉवल से ये सैंड ले लेता हूँ क्योंकि ये सैंड को भाई मेरे को कांच में कन्वर्ट करना है। मेरा फननेस वहां पर ही है तो मैं जल्दी से जाके कोल में डाल के इसको कर दूंगा कांच में कन्वर्ट। तो जल्दी से, अरे अरे अरे, व्हाट द हेक, कौन था, कहां से मारा, किसने मारा, अरे अरे अरे, स्केल्टन है भाई, स्केल्टन है। ओ नो नो नो, जल्दी 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 जल्दी, टिक के ऊपर मैं एक कोल लगा देता हूँ। ओके चार टॉर्च मिल गई है मेरे को, नाइस। तो टॉर्च रख के मैं माइनिंग कर सकता हूँ, जानते हो आप। तो माइनिंग के लिए मैं उसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे मेरे को भाई स्टोन्स मिले थे। तो यहाँ पे मेरे को आयरन मिली थी, तो मेरे को और भी आयरन चाहिए है, तो इसी वजह से मैं लाइक इसी जगह पे माइनिंग करने आया हूँ। वैसे ज्यादा बड़ा माइन नहीं लग रहा भाई मेरे को, ये आगे से खुल रहा है कहीं से, वैसे ये घर टाइप का है, इसको आप अच्छे से सजाने के लिए घर बना सकते हो यार। बट अपने को आयरन चाहिए था यार, आयरन किधर है, मैं आयरन के चक्कर में यहाँ पे आया था बे, लेकिन आयरन तो मेरे को दिख ही नहीं रहा यार। चलो कोई ना, तब तक हम लोग ये पत्थर ले लेते हैं बिकॉज ये अपने को घर बनाने में काम आएगा, क्योंकि मोस्टली हमारे पास चीजें हो गई हैं। अब जो एक चीज हमारे पास नहीं है वो है घर, उसके बाद जितनी भी चीजें हैं कोल एंड कांच हमारे पास है। तो अपने को थोड़े से पत्थर चाहिए, कोबल स्टोन, जिससे हम अपना घर बना पाए, क्योंकि घर मैं बहुत खूबसूरत बनाने वाला हूँ पहले दिन के अंदर ही। तो जैसे कि मैं तुम लोग से बोल रहा था, मैं एक्चुअली मैं माइनक्राफ्ट नूब हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को बिल्कुल माइनक्राफ्ट खेलना नहीं आता, उसका मतलब ये कि मेरे को कभी इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं अच्छे से माइनक्राफ्ट खेल पाऊँ। तो जब मैं कल के दिन ऐसे ही ट्राई करने के लिए माइनक्राफ्ट खेल रहा था, तो भाई मैं नेदर में मर गया। और मेरे को वैसे भूख लगी है, तो सबसे पहले भाई अब मेरे को मारने पड़ेंगे। अरे आए हाय पिग्गी जी, अरे पिग्गी अब तो आपके मरने की बारी आई है, हमें भूख लगी है, इसको भी मार दो, मर 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 घोड़े मर भाई, घोड़ा बहुत तेज बहुत देर में मरेगा जितना मेरे को पता है। अरे मेरे को मारता है, ये मर गया ना। अरे कितना टाइम लेगा भाई मरने में ये। हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर। मरने में पता नहीं कितना टाइम लेगा, कितना मारने की कोशिश करी मैंने इसको, मरा ही नहीं। ओके तो 8 ग्लास लाइक 18 ग्लासेस बन गए हैं, तो मैं इसमें से ये हटाता हूँ एंड ये रखता हूँ जिससे जल्दी से खाना तैयार हो और मैं खाना खाऊं क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। तो ये खाना खाने के बाद मेरे पास लकड़ियां कम है भाई। तो एक्चुअली जब से मैंने देखा ना लोग भाई कितना डरते हैं एंड ड्रैगन से कि भाई एंड सिटी में वो उनको मार देगा, तब से मेरा मन करा अरे भाई मेरे को कैसे मार सकता कोई, भाई मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे को कोई नहीं ऐसे मार सकता है। इतना याद रखना जैसा कि मैंने तुम लोग से कहा है, लाइक इट्स द फर्स्ट एपिसोड, अगर तुम लोग चाहते हो कि रचित भाई सेकंड एपिसोड भी बनाए तो 1,00,000 लाइक्स, अगर 1,00,000 नहीं आई तो मैं सेकंड एपिसोड बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, लाइक बिल्कुल भी नहीं। वैसे मजाक से हट गया, मैं अभी मजाक कर रहा हूं, मेरे को जल्दी जल्दी पेड़ तोड़ लेना चाहिए क्योंकि मेरी एक्स टूटने वाली है, बिल्कुल टूटने की हालत में है भाई मेरी एक्स, तुम लोग देख पा रहे हो। बट तब भी ये चीज है कि मेरे को आई थिंक बहुत ज्यादा ब्लॉक्स मिल गए हैं। ओके जल्दी तोड़ो, मेरी एक्स टूट गई ना। ओके अभी मैं क्या करूं, वैसे एक्स टूट गई तो क्या दिक्कत है भाई, मैं और एक्स बना लूंगा। अरे तुम लोग मजाक समझते हो, ये लो एंड दो स्टिक्स रखी। ओके तो मेरे पास स्टोन पिकेक्स मतलब स्टोन एक्स आ गई है, तो जल्दी से मैं और भी तोड़ता हूँ क्योंकि मेरे को जितने ब्लॉक्स हो सकते हैं ना उतने ब्लॉक्स चाहिए हैं। रात होने वाली है भाई, सबसे पहली तो चीज ये है, तो जैसे ही रात होती है वैसे ही मैं सो जाऊंगा एंड नेक्स्ट सुबह मैं अपना घर बनाना स्टार्ट करूंगा। ओके अब मैं बेड रखूँ ना यहाँ पे। ओके सेकेंड डे कम्प्लीटेड, लाइक देख रहे हो दोबारा से सुबह हो गई है, अब मैं बनाऊंगा अपना घर, ठीक है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले अपने को ये जगह साफ करनी है। ओके तो अब मैं अपना घर बनाना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो भाई मेरे को नॉर्मल ओक्स चाहिए हैं। ओके ये रहे नॉर्मल ओक्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अलग टाइप का घर बनाने की सोच रहा हूँ। एक यहाँ पे ओक रखते हैं, एक दो
2 hours later. मेरे को पता है मेरे पास जितने भी planks हैं ना, I think guys ये खत्म हो रहे हैं बहुत जल्दी. मेरे को और भी wood चाहिए होगा जो कि मेरे को पहले से ही पता था. But अच्छी चीज ये है कि मेरे पास अभी भी glass है जिसका मैं अभी तक इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस glass को मैं लगाने वाला हूँ. अरे भाई glass लगाना था भाई मेरे को. Okay, तो ये है मेरे पास 18 glasses. तो ये glasses मैं लगाने वाला था यहाँ पर. I know इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे ये, बट तब भी मेरे को लगा कि भाई मैं इस एरिया में glasses लगाऊं. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये glasses बनाए थे, क्योंकि मैं आगे जाके कुछ इसी तरीके का घर बनाने की सोच रहा था. तो मेरे को एक्चुअली अभी करना क्या है, मेरे को एक्चुअली अभी और भी ज्यादा वुड चाहिए है. बट वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सामने पेड़ है और यहाँ पे हम लोग का घर तैयार हो जाएगा. तो मेरे को अभी जाके क्या करना है, मेरे को एक्चुअली ये सामने से ये मतलब जितनी भी चीजें है ना मेरे को तोड़नी है. मेरे को वुड चाहिए है, वुड से ही मैं इस घर को अच्छा बना पाऊंगा. तो मेरे को ये घर कंप्लीट करना है आज के दिन, देन हम लोग इस एपिसोड को खत्म करेंगे. आई डोंट नो कि ये एपिसोड कितना बड़ा हो गया है, बट मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. इसी वजह से मैंने अभी तक देखा ही नहीं कि भाई कितना टाइम हो गया इस रिकॉर्डिंग को करते हुए. और ये वुड के साथ मेरे को भाई सैंड भी चाहिए है, क्योंकि सैंड का काम ये है कि एक्चुअली मेरे पास सैंड नहीं है. अगर सैंड नहीं होगी तो मैं ग्लास नहीं बना पाऊंगा, ठीक है. तो मेरे को सैंड भी चाहिए, बट खराब चीज ये है जैसे कि तुम लोग देख सकते हो रात होने लगी है और मैंने रियलाइज नहीं किया भाई घर बनाने के चक्कर में. मेरे को मैं इतना धीरे धीरे घर बनाना था जैसे हाथ में मेहंदी लगी हो भाई. कितना स्लो घर बनाया मैंने अभी रियलाइज किया. मेरे को लगा था कि भाई मैं पूरे एक दिन के अंदर घर बना लूंगा, बट वो सुबह से शाम हो गई यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, और बस उतना सा इंटीरियर बन पाया है. तो मेरे को करना क्या है, मेरे को जल्दी से और बुड जल्दी से कलेक्ट करनी है जिससे मैं घर बना पाऊँ, क्योंकि घर बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से यार. विदाउट घर भाई आज का एपिसोड तो बिल्कुल अधूरा है. लाइक सेकंड एपिसोड में घर बनाना भाई बहुत पागलपंती लगती है मेरे को. इस चक्कर में मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही लाइक मोस्टली चीजें कंप्लीट कर लूं मैं. बट रात हो गई है तो ये चीज मेरे को ध्यान में रखनी चाहिए. यहाँ पे बेड है, मैं रखूंगा अभी और सो जाऊंगा. क्या दिक्कत वाली बात है बॉय, हम पीरो हैं, हम नूब थे लेकिन अब हम पीरो हैं. ओके, तो मॉर्निंग हो गई है. मजाक से हटके मेरे को वुड्स चाहिए थे तो मैं वुड्स ही करता हूँ. बस अच्छी चीज ये है कि मैं सच्ची में बहुत ज्यादा लकी हूँ. ये देखो जहाँ पर भी जा रहा हूँ वहाँ पर मेरे को गुफा मिल रही है और सेंड भी मिल गया भाई. यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट सेंड नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा सेंड मिल गई. नाइस, लेट्स गो बॉयज. तो अब मैं अच्छे से कांच बना पाऊंगा. मैं जितनी सेंड हो सकती है ना उतनी सेंड मैं कलेक्ट कर लेता हूँ. इस सेंड को मैं डालूंगा और कांच बना दूंगा, एंड कांच के बाद वो घर में जितना भी कांच बचा है ना वो लग जाएगा. एंड देन मेरे को बस वुड चाहिए होगा. कोबल स्टोन तो मेरे पास है ही, अगर और भी कोबल स्टोन चाहिए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा कोबल स्टोन है. अब जो मेरे को मेन चीज चाहिए ना वो है आयरन. एंड देन सेकंड एपिसोड में मैं अच्छे से डायमंड की खोज कर पाऊँ, ठीक है. तो मेरे को फर्स्ट एपिसोड के अंदर सिर्फ डायमंड पे ध्यान नहीं देना था और सारी चीजें लेनी थी जो कि आई थिंक मेरे को मिल गई है. इन पेड़ का प्रॉब्लम ये है यार, ये पेड़ लंबे नहीं है. ये देखो भाई घने बहुत है लेकिन यार इनकी लकड़ी बहुत कम है. ओके, तो एक चीज अच्छी हुई मेरे पास 53 ओक लॉक्स है. तो 53 ओक लॉक्स के जरिए आई थिंक मैं बहुत ज्यादा प्लैंक्स बना सकता हूँ. लाइक 64 बना दिए मैंने, तो 64 प्लैंक्स अच्छे होंगे. ओके, फर्नेस में मैं क्या करूं, फर्नेस में मैं ये कोल रखता हूं और जितना भी मेरे को सैंड मिला है ना सैंड डाल दिया मैंने. और अब मैं काम करता हूं अपने घर पर. ओके, लेट्स गो. तो अब मेरे को एक गेट और बनाना है जिसको गेट को मैं यहाँ पे रखूंगा और बाकी का आई थिंक सो घर भाई बहुत अच्छा लग रहा है. ये थोड़ा सा एम और एन से पता नहीं किस टाइप का घर है ये. ओके, 6 ग्लास बन गए हैं, तब तक 6 ग्लास काफी है. 6 ग्लास को मैं अंदर से जल्दी लगा देता हूँ घर के अंदर. ओके, तो ग्लासेस जैसे मैंने बोला था भाई मेरे को ग्लासेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे घर में ग्लासेस ही ग्लासेस लगेंगे. मैं कितना कोयला फोकू तेरे अंदर है, तो ग्लासेस नहीं बना पा रही है. ओके, तब तक मैं क्या करता हूँ बाकी चीजें और बाकी क्या है. अभी के लिए मैं अगर सीढ़ी बनाऊँ तो मैं सीढ़ी बना कर लाइक इसको और भी अच्छा कर सकता हूँ ना. ओके, मेरे पास एक आइडिया है. मैं इसके पास जाता हूँ एंड सीढ़ी बनाता हूँ. लाइक ओक स्टेयर्स बनाता हूँ. 12 ओक स्टेयर्स बना लिए हैं. एंड ओक स्टेयर्स बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, लाइक मेरे को वो और बनाना है लाइक नॉर्मल स्टेप. ओक स्टेयर्स बनाता हूँ मैं. ओके, तो मेरे पास 24 ओक स्टेप्स हैं और अब मेरे को कोबल स्टोन की और स्टेयर्स चाहिए हैं. अभी तो मैं थोड़ी देर में समझ में आएगा कि आखिर मैं ये क्यों ले रहा हूँ. तो अब मेरे को क्या करना है, एक्चुअली ये जो मैंने स्टेयर्स ली है ना वो मेरे को यहाँ पे लगानी है. ये लगाना बहुत ज्यादा हार्ड है यार, स्टेयर्स वाला सजाने वाला. ये मेरे को लगा था कि 2 सेकंड में सज जाता होगा ये यार. ये तो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है भाई मेरे को. कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ मैं अपना पहला घर बनाने में ही. okay, ये स्टेयर्स थोड़ी देर में लगाऊंगा. मेरे को चेक करना भाई कांच कंप्लीट हुए ना. ओके, 20 ग्लासेस काफी है. जल्दी से मैं ग्लासेस रख देता हूँ. जो ग्लासेस का सजाने का था वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ घर का. प्लस बेड जो है बेड भी डाल देता हूँ यहाँ पे. अब मोस्टली जो चीज की बारी है ना, जो चीज बची है वो है ये घर कंप्लीट करना. सबसे पहले तो मेरे को एक डोर चाहिए है. ओके, तो डोर बनाने के लिए मेरे को करना क्या है, मेरे को बस
प्लेन चाहिए हैं और ओक प्लेन्स को मेरे को इस तरीके से रखना है। और ये रही डोर, एक्चुअली तीन तीन डोर बन गई भाई, मेरे को एक ही डोर बनानी थी। ओके, तो ये अपना नॉर्मली घर तैयार हो गया है, बस अब जो चीज बची है वो है इसको खूबसूरत बनाना। खूबसूरत बनाने के लिए अब हम लोग वो चीज करेंगे। ओके, रात बिल्कुल ही हो गई है भाई, मैं जल्दी से तोड़ता हूँ और स्टेयर्स का कंप्लीट काम करता हूँ एंड देन इस घर को कंप्लीट करता हूँ एंड देन इस एपिसोड को फिनिश करता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से ये एपिसोड ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। और तुम लोग के मन में चल रहा होगा कि रजत भाई आज के दिन ही क्या लाइक एंडर ड्रैगन को मारने के चक्कर में हो क्या, तो पहले मैं चक्कर में तो यही हूँ कि मैं आज के दिन ही एंडर ड्रैगन को खत्म कर दूं, बट कोई ना, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं है मेरे को पता है चीजें, हालांकि जैसा कि मेरे को पता था वैसा ही हुआ, लाइक काम नहीं हो पाया, सो जाता हूँ मैं। मेरे को पता था मेरे को और भी ज्यादा स्टेयर्स चाहिए, इतनी कम स्टेयर्स के अंदर लाइक मैं ये घर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और फिर मेरे को सोना भी था तो मेरे को और भी स्टेयर्स चाहिए भाई, विदाउट स्टेयर्स मेरा काम नहीं होगा यार। ओके, 20 और हो गई स्टेयर्स, नाइस, इतना चलेगा, आई थिंक इतनी स्टेयर्स जो है ना अच्छे से वर्क करेंगी। अब बस मेरे को ऊपर जाना है। ओके, तो मेरे पास अभी काफी ज्यादा स्टेयर्स हैं, लेकिन मैं स्टेयर्स रखना नहीं जानता हूँ। मेरे पास स्टेयर्स तो हैं जी, मेरे को रखना नहीं आता भाई इन स्टेयर्स को, हर स्टेयर्स में गलत रख रहा हूँ, ये देख रहे हो तुम। मैंने घर एक्चुअली बनाए नहीं इतने ज्यादा माइनक्राफ्ट में, इसी चक्कर में मेरे को इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है यार, ये घर सजाना बहुत ज्यादा हार्ड है यार, तुम लोग कैसे करते हो भाई ये चीज माइनक्राफ्ट में, मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड चीज तो यही लग रही है आज के दिन, ये घर को सजाना। ओके, तो मैंने मोस्टली स्टेयर्स लगा दी है और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे भाई, मेरे सबसे ज्यादा दिक्कत इस स्टेयर्स को लगाने में हुई है, परेशान हो गया हूं भाई मैं, इतनी देर से स्टेयर्स लगा रहा हूं और इनको मेरे से पता नहीं क्या ही दुश्मनी है, लाइक इनको अलग ही गुस्सा आ रही है, ऐसा लग रहा है भाई इनको मैंने खाना आना ना दिया हो यार, क्या क्या दिक्कत क्या भाई, इन्हें इनको लगा नहीं जा रहा, मैं आराम से स्टेयर्स लगाने की कोशिश कर रहा लेकिन नहीं भाई इनको नहीं लगना है। ओके, तो मैंने स्टेयर्स लगा दी है, मैं अब ओक स्लैब्स का यूज करूंगा एंड इस पूरे को बंद करूंगा, समझे आप, तो जिससे ये लाइक घर अच्छा लगने लगे। अरे ये गेम वाले मेरा कुछ फायदा होने नहीं देंगे भाई, इनको, इन गेम वालों को मेरे से एक अलग ही दुश्मनी है जितना मेरे को दिखता है ना भाई, मैंने एक मॉडर्न हाउस बना दिया यार, आई थिंक ये पहला घर जब मैं पूरा कंप्लीट करूंगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ओके, स्लैब्स खत्म हो गई है, वैसे मैं और भी स्लैब्स बना सकता हूँ, बट मैं क्या सोच रहा हूँ स्लैब्स की जगह मैं क्यों ना यहाँ पे भाई कांच लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या बताओ, जिससे सनलाइट तब भी आती रहेगी यार। फाइनली सब कुछ हो गया है, आराम से नीचे जाता हूँ और मेरे को चेक करना है कि अपना घर कैसा लग रहा है, उससे पहले भाई जहाँ जहाँ पे मैंने ये गंदगी वगैरह रखी ना, हर जगह पे चीजें डाल रखी है, इन सबको मैं साफ करूं। ओके, तो ये है गाइस अपना पहला घर, लाइक लुक एट दिस, एक नंबर घर है भाई, तुमने देखा किसी का पहला घर इतना खूबसूरत हो। मैं जल्दी से ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ता हूँ और फ्रंटेंस भी तोड़ता हूँ और अंदर जाके लाइक इनको रखता हूँ एंड उसके बाद हम लोग ये एपिसोड फिनिश करते हैं। आई डोंट नो भाई मेरे को कितना ज्यादा टाइम हो गया भाई रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि भाई मैं जब से गेम खेल रहा हूँ लगातार इसको रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। ओके, मैंने दोनों चीजें तोड़ ली है, तो ये है गाइस अपना घर, तुम लोग देख सकते हो, तो इधर साइड से एंट्रेंस है, यस, एक ही आदमी एक बार में जा सकता है और ऊपर मैंने कांच लगा दिया है। इधर अपना प्यारा सा बेड लगा है, तो नॉर्मल हर चीज की तरह यहाँ पर फर्नेस रखते हैं अपनी, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रख देते हैं, प्लस अपने को चेस बनानी है तो चेस बना लेते हैं, वरना तुम लोग कहोगे भाई सब कुछ तो कर लिया लेकिन आफ्टर द एंड चेस तो बना ही नहीं। चेस के साथ मैंने एक्चुअली एक बोट भी बना ली है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे पानी है तो भाई मेरे को दूर जाना पड़े ना, तो मेरे को दिक्कत वाली बात ना हो, मेरे पास हमेशा एक रहे। तो ये है मेरी चेस को मैं यहाँ पे रख दिया हूँ एंड देन इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ लाइक चीजें, हालांकि अभी तो कोई चीज है नहीं लेकिन तब भी जितनी भी चीजें है ना मैं रख देता हूँ इसके अंदर। तो यस, आई थिंक गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप सो गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे को गाइस ये वीडियो बनाने में लाइक बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम के बाद माइनक्राफ्ट सर्वाइवल खेला एंड पहला दिन आई थिंक सो कि काफी अच्छा रहा है हम लोग का। तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि तुम लोग को माइनक्राफ्ट सर्वाइवल यानी कर्म धरती सीजन 1 का एपिसोड 2 चाहिए कि नहीं, तो इस वीडियो पे आते हैं अगर 100,000 लाइक्स तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, अदरवाइज तुम लोगों को पता है मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो यस, आज के इतना ही, मेरा नाम है रचित एंड मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।